नमो महावदानाय कृष्णाय प्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णपदाय प्रेमपदे नमः दिग्पद वृंदारण्य गुरुमाधव पद्मनाभ सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा क्षीर गोविंदौ श्री कृष्णमानो स्मरामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं मेरे गुरु पाद पद्म पद्म परिवार का आचार्य की प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के अभय पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके अद्भुत कृपा की वाचा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे श्री शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद परिवार का आचार्य स्वामी भगवती वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की वाचा करता हूँ। मंडा सिंह सन्यासी बंद विद्वत वृंद वैष्णवगण और मातृवंद के चरणों में सहयोग प्रणाम करते हुए गुरु गोस्वामी पाद के श्री चरणों में मैं पुष्पांजलि निवेदन कर रहा हूँ। गुरु गोस्वामी पाद के विषय में निश्चित रूप से उसका कोई आदि और अंत नहीं है। इतना विराट उनका व्यक्तित्व था कि यदि वह हमारे गौरी संप्रदाय में हमारे गुरुवर्ग में उनका साहित्य यदि नहीं होता तो हमारे लिए गौरी संप्रदाय के पास में कुछ भी नहीं रहता, कोई संपदा नहीं। उन्होंने जो कुछ दिया आज हम सबको गर्व है। हम कोई नहीं, मैं वृंदावन में रहता हूँ, कभी कभी मुझे अवसर मिलता है कुछ सुनने का कुछ गानों से, तो अन्य संपदाओं के विद्वान अन्य संपदाओं के आचार्य भी रूप गोस्वामी की चीज रही हैं। उनके सिंधु उज्जवल नीलमणि आदि ग्रंथों को भूल नहीं पाते। वहाँ से वह दृष्टांत लेकर के बोलते हैं कि सारी संप्रदाय ही उनकी चिड़नी है। गुरु गोस्वामी पाद ने जो प्रमुख ग्रंथों में उनका नाम आता है उज्जवल नीलमणि भक्त सामर सिंधु हंसदूत और वीरेंद्र माधव इत्यादि नाटक हैं। उन्होंने जो काव्य लिखा है उस काव्य की एक विशेषता है, वह है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता उसे कहते हैं कि इस श्लोक पढ़ते ही हमारे मस्तिष्क में एक चित्र बन जाए और वह चित्र की एक वाणी में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कुसुम सरोवर में राधिका जी कुसुम चयन करने के लिए गई हैं और भगवान कृष्ण वहाँ बैठे हैं। वृक्ष के ऊपर में राधिका जी का हाथ नहीं आता है, भगवान कृष्ण को कहने को झुका देते हैं और कुछ चयन करने लगती हैं श्रीमती राधिका जी। हटात वह राधी को छोड़ देते हैं और राधिका जी भगवान कृष्ण के बाहुपाश में पहुंच जाती हैं। यह इसे कहते हैं चित्रात्मकता। अर्थात चित्र बनाना उनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। उनका काव्य सबसे में इतना कठिन है कि जन सामान्य की बात तो बहुत दूर की बात है, बड़े बड़े विद्वान भी उसको समझने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। एक विद्वान बता रहे थे दो दिन पहले कि बहुत ही कूट शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। वो संस्कृत में हमारे जैसे हिंदी साहित्य में सामान्य एक महाकाव्य है जैसन प्रसाद जी का अथवा बिहारी जी की सत्सई है, दोहा है, उन्होंने बिहारी के साथ दोहे लिखे हैं, वो भी बड़े कूट हैं हिंदी साहित्य में। उसी प्रकार से उससे भी अधिक कूट शब्दों का प्रयोग रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथों में किया है। उन्होंने बताया अपने साहित्य में कि मंजरियां तीन प्रकार की होती हैं, राधा स्नेहाधिका, दूसरी तटस्था और तीसरी बताई कृष्णा
कृष्ण ने स्नेह लिखा। अर्थात एक राधा पक्षी होती है और राधा के प्रति उनका अधिक स्नेह होता है और दूसरी है तटस्था, अर्थात राधा और कृष्ण के प्रति समान स्नेह होता है, और तीसरी है कृष्ण के स्नेह अधिका, कृष्ण के प्रति उनका अधिक स्नेह होता है। आपने अपने साहित्य में भक्ति की जो परिभाषा दी है इतनी सुंदर दी है कि वह उसके बिना हम भक्ति का निरूपण सही सही मायने में नहीं कर सकते। अन्नाभिलाषिता सोयम ज्ञान कर्मांतनापदम आनुकूल्य निकषाभिलम भक्ति उत्तमा, अर्थात सभी जानते हैं लिखे हैं हम लोग कि अन्नाभिलाषा शून्यम समस्त प्रकार की जो कामना वासना है उनसे शून्य होकर के जो भक्ति की जाती है वही उत्तम भक्ति है। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त को जो चार पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष उनकी भी वांछा नहीं करता, वह तो एकमात्र भगवत प्रेम और भगवत सेवा ही चाहता है। भगवान सामने आ जाए तो भक्त उस भगवान के दर्शन को उतना पसंद नहीं करेगा जितने उनके प्रेम को और उनकी सेवा को पसंद करेगा। आपने अपने साहित्य में भगवान कृष्ण के सौंदर्य सौंदर्य का जो वर्णन किया है वह बड़ा अद्भुत है। यदि भगवान कृष्ण का सौंदर्य नहीं होता तो गर्गाचार्य जी उनका नाम कृष्ण नहीं रखते, इतना उनमें आकर्षण है कि वे सारे जगत को आकर्षित किए हुए हैं चुंबक की तरह से। लेकिन उनको आकर्षित किए हुए हैं एकमात्र श्रीमती राधा रानी। सारा संसार कृष्ण का श्रृंगार करता है किंतु श्रृंगार वट में श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार भगवान स्वयं प्रिया जी अपने हाथ से करते हैं। प्रिया जी का श्रृंगार प्रिया अपने हाथ से करते हैं। ये सारा उनका उन्होंने अपने साहित्य में दूध और पानी को बिल्कुल अलग कर दिया है। उन्होंने ज्ञान मिश्रा भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति और अन्य जो भक्तियां हैं उनको अपने ग्रंथों की में जो दी परिभाषा दी है उसके द्वारा उनको समाप्त करके और जो उत्तम कोटि की भक्ति है उसकी स्थापना की है। श्री रूप गोस्वामी पाद सचमुच में वो कृष्ण की लीला में रूप मंजरी थी। रूप मंजरी को इतना अधिकार प्राप्त था कि वह राधा कृष्ण की निकुंज लीला में प्रवेश करके उनकी सेवा में वह नियुक्त रहती थी। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि अब मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि यह बात मुझे मेरे गले में नहीं उतरती कि उनकी आदेश के बिना अन्य ललिता विशाखा प्रवेश नहीं कर सकती। कृपा सब तो बहुत अच्छा लगा मुझे, गुरु भक्ता ने कहा कृपा सचमुच में उनकी कृपा के बिना उनको सेवा का अवसर या प्रवेश नहीं मिल सकता। ये बात ठीक लगी मुझे। हो सकता है आप गण मेरी बात से सहमत ना हो किंतु एक कहने का ढंग होता है। एक हम ये कहें कि प्रसाद पा लें, एक हम भोजन कर लें, एक हम कहें कि रोटी ठूस लो, बड़ा सा तड़पड़ा लगता है रोटी ठूस लो, है ना। इस प्रकार की बात है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने साहित्य में 12 रसों का जो वर्णन किया है उसमें भी जो 7 गौड़ हैं और 5 प्रमुख हैं उन 5 रसों की रिचमन ने बताया कि ब्रज में शांत दास सख्य वात्सल्य और मधुर ये 4 रस के जो सेवक हैं या उनकी जो भक्ति है वह मधुर भक्ति का आस्वादन नहीं कर सकती।
भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो दो प्रकार का है, एक है माधुर्यमय, एक है ऐश्वर्यमय। मथुरा के जो कृष्ण हैं, उनमें दोनों मिश्रित भाव हैं, ऐश्वर्य भी है और माधुर्य भाव भी है, किंतु ब्रज में जो कृष्ण का जो स्वरूप है वह माधुर्यमय है। उन्होंने बताया कि जिन विषयों को वेदव्यास जी ने संकेत माध्यम ने किया, छुपा लिया, गोपनीय रखा, उन भावों को रूप गोस्वामी पाद ने प्रकट किया है, बड़े विस्तार से गौर किया है अपने ग्रंथों में। ऐसे रूप गोस्वामी पाद जो हमारे संप्रदाय के बड़े गौरव है, उनके श्री चरणों में नतमस्त होकर के मैं उनकी कृपा की एक बिंदु यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने आप का अहो हाथाई करूँगा। मैं पीजीपाल महाराज जी का आभारी हूँ कि मुझे एक बड़े सभा में आपने मुझे यह तुच्छ बालक को बोलने का अवसर प्रदान किया। कोई त्रुटि इत्यादि हो आप क्षमा करेंगे। वंशा के पास सुन तो बचाओं पावन जो बैठने की हो। अभी आप लोगों ने ओम प्रकाश ब्रह्म ब्रजवासी का पुष्पांजलि रूप गोस्वामी के चरणों में शरण लिया। अब हमारे प्रधान अतिथि प्रेमदास बाबा जी उपस्थित हैं, ये रूप गोस्वामी के चरणों में पुष्पांजलि दिया। श्रीमद्रूपगणबंदे दंडवत्भुविसंपतन समर्पोत्कर्ष पीयूषम स्वाद्यते यै अहर्निशम। सर्वप्रथम दास कलिपावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम करुणा वृंदालय भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नित्य अंतरंग परिकर सर्वो स्वामी में अन्नतम गौरी वैश्वाचार निकुंज रस के आविष्कार तत्वता श्रृंगारस शिल्पी श्री गोस्वामी के चरणों में साष्टांग दैनिक कोट कोट दंडवत प्रणति के पश्चात सभी रूप के गण भूमि दंडवत संपतन में चित्र साष्टांग दंडोध करता हूँ, क्योंकि समर्था उत्कर्ष पीयूषम समर्था रति ही उत्कर्ष है। ऐसे अमृत को जो दिन रात स्वादते यही अहर्निशम। ऐसे रूप के गणों आप वैष्णव संत और माताओं सबसे पहले जिनकी वंदना होनी चाहिए हमारे सभाध्यक्ष परम वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज पंचमाशिन सभी विद्वत्वर पूज्य सेवा महोदय जी महाराज और विद्वत्वरेण वृंदावन बिहारी गोस्वामी जी महाराज और सभी संन्यासीवृंद सभी के चरणों में दास का पुनः पुनः नमन वंदन स्वीकार। श्रीमद्रूप गोस्वामी न होते तो न तो वृंदावन बनता न लक्ष्मी दस की प्राप्ति होती। एक महाजन उद्धव दास जी हैं, रूप गोस्वामी स्मृति में कहते हैं केवल एक कड़ी उस समय तो यहाँ कमी है, रूप गोस्वामी का जो अस्तित्व है, कृतित्व है, रचनाएं हैं, जो दान है, ये तो महाकाश की तरह है। एक कोना भी स्पर्श करने की सामर्थ्य दास में तो नहीं है, तो भी स्पर्श करने का साहस
ये भ्रष्टता है, तो समय सीमा के अंदर ही तो कहना होगा। तो श्री रूप गोस्वामी नहीं होते तो को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रज नीत, को जानत राधा माधव रति, को जानत सोई प्रीत। रूप प्रभु नहीं होते तो मथुरा वृंदावन कौन जानता है। रही महाप्रभु आकर मथुरा वृंदावन आविष्कार कर गए, राधा कुंड आविष्कार कर गए, हम लोगों को जना गए ही ब्रज वृंदावन है। प्रलुप्त तीर्थों का यथार्थ प्रकाशन रूप प्रभु के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि चैतन्य मनोविष्टम पूर्ण करने वाले रूप प्रभु ही है। तो मथुरा वृंदावन को जानना सम्मत रूपेण जानना, जैसे आम की प्राप्ति हाथ में, भी प्राप्ति हाथ में हस्तगत प्राप्ति, नाक के सामने ला सकते खानगत प्राप्ति, और एक सम्यक जीवा में रसगत प्राप्ति। तो रसगत प्राप्ति से गोस्वामी पाद ने हमें कराई है। वृंदावन धाम क्या है, धाम एक लस थलो की महिमा, और धामेश्वर धामेश्वरी राधा गोविंद का स्वरूप लीला, ब्रज की जो रस रीति है कौन जानता, वो जानत मथुरा वृंद, वो जानत ब्रज नीत, ब्रज की जो नीति है, रीति है, रस रीति है कौन जानता, वो जानत राधा माधव रति, राधा माधव रति कौन जानता, वो जानत सोई प्रीत, राधा गोविंद के प्रेम को कौन जानता। क्या अद्भुत वर्णन है, हमें तो लगता है ये गागर में सागर कर दिया है। इसी की व्याख्या की जाए तो महीना भर कर सकते हैं, जीवन भर कर तो भी रूप गोस्वामी के पावन चरित्र की सत्यता अंत नहीं हो सकता। यह अनुभव है, रूप नहीं होते तो हमें क्या मिलता, हम कृष्ण स्वरूप को जानते, राधा स्वरूप को जानते, न प्रेम स्वरूप को जानते, रस स्वरूप को जानते, न उनके दोनों का जो स्नेह है प्रीति है उसको जानते, न साधन पद्धति को जानते, क्या जानते, न धाम न नाम आश्रय कुछ नहीं मिलता। हमें धाम दिया, नाम दिया, ठाकुर गोविंद दिए, उनका स्वरूप दिया, उनकी लीला दी, साधन बताया, और साधन का अंतर राय भी बताया। और ये दोनों ग्रंथ नहीं होते तो भक्ति रस तो लोग जानते, शास्त्रीय आधार पर अगर विश्व के धरातल पर किसी ने भक्ति रस का निरूपण किया तो सिर्फ प्रभु ने किया है। बिल्कुल शास्त्रीय आधार पर इतना सुप्रसिद्ध दार्शनिक ढंग से भक्ति के क्रम विकास, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, भक्ति के पात्र अधिकारी, और भक्ति विधि, रागानुगा संबंधानुगा, और रागानुगा में संबंधानुगा संभोग इच्छात्मिका तत्भाव इच्छात्मिका कौन जाता है, इतना विस्तार रूप भक्ति का अंतराय, भक्ति के क्रम विकास इन स्तरों को, ये दोनों ग्रंथ अमूल्य धरोहर है, निधि है, इसके बिना भक्ति रस की स्थापना नहीं हो सकती। भक्ति रस की संस्थापना आचार्य है, गंगा रस के शिल्पी है, जनलमणि इसके उज्जवल उदाहरण है, कहने की आवश्यकता नहीं, आप सभी विद्वान जानते हैं। रूप प्रभु से पहले कृष्ण का स्वरूप भी नहीं जानते लोग, ठीक इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सच है। इससे पहले श्री कृष्ण भगवान को क्या जानते लोग, नारायण के अवतार। महाप्रभु ने सबसे पहले कहा कि कृष्ण स्वयं भगवान है, अवतार ही है। अगर कहेंगे आप क्यों भागवत में तो ये जान सकला महाप्रभु से पहले है, और उस पर भी सब टीकाकार का एक मत नहीं है, जानते मत तो आदि नहीं मानते, एक चीज जो कहा गया ना, इसके डांस कला उनसर कृष्ण भगवान से कृष्ण नंद नंदन के लिए नहीं है कि नारायण, नारायण एक नाम कृष्ण है। यहाँ आए हुए विश्व तीर्थ जी महाराज जो मातृपीठ के प्रधान,
आचार्य से मेरी बात भी हुई, इस पर उन्होंने कहा देखिए अमर कोश का अपमान किया, कृष्ण नारायण विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्णु सर्व अमर कोश में नारायण के नाम ये तो चांस कला पुंज की उन्होंने व्याख्या की कि ये कृष्ण ही है, नारायण विष्णु कृष्ण अवतार है, ऐसी मान्यता महाप्रभु पहले थी, हर संप्रदाय में थी, इस कटु शब्द को मानना ही होगा। और महाप्रभु सबसे पहले स्थापना की कि कृष्ण स्वयं भगवान है, ठीक है भागवत के प्रमाण को आप लोग नहीं मानते तो ब्रह्म संहिता का प्रमाण तो मानते, काटिए इसको, ईश्वर अवतरणा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राज गोविंद सर्व कारण कारणम, इसमें कोई गुंजाइश है संदेह का, गोविंद कहा गया तो वो तो है, उसमें है कि रामा जी से वंश बताए गए, ब्रह्म संहिता ही सिद्धांत का मूल ग्रंथ है, इसलिए महाप्रभु अलीला माधुर करना मृत पर महाप्रभु लाए बोल गए और उसकी स्थापना गुरु गोस्वामी ने की, अगर ग्रंथ नहीं लिखते कौन जानता, बोल गए पर महाप्रभु गोस्वामी के द्वारा स्थापना की, कृष्ण स्वयं भगवान है और स्वरूप क्या है अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर अनुचरुद्ध तारक पर सबसे पहले भक्ति रस अभिनंदना है, अखिल रस जितने रस हो सकते हैं, नौ रस तो प्राकृत है और पांच भक्ति के रस है, शांत दास सत्य वात्सल मधुर, सभी रस के अमृत के क्या विग्रह है, वो इसी कृष्ण भगवान है, जितने रस है सभी रसो मूर्ति रसो वही सर्वेद में तो है, पर रूप गोस्वामी इसकी चित्र इसकी छवि हमें रंगन कर दिया, देखो ये अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण का स्वरूप मधुर स्वरूप का वर्णन ग्रंथों में क्या है, कृष्ण स्वरूप माधुर्मय रूप है, ऐसा माधुर है ऐसे रसमय है, रसखंड विग्रह अमृतखंड विग्रह है कि कृष्ण स्वरूप का दर्शन करके लक्ष्मी तक यहाँ आ जाती है, भगवत का ही प्रमाण, यहाँ तक कि भगवत स्वरूप नारायण भी आकृष्ट होकर के द्वारिका के बालक को ले जाते ब्राह्मण कुमारों को, इस पर भी विद्वानों का दूसरे संप्रदाय का मत है नहीं वो तो नारायण भगवान है इसीलिए कृष्ण के दर्शन चाहते थे, जैसे दर्शन की इच्छा तो होती है भाई, पिता का क्या बेटे को देखने की इच्छा नहीं होती है, तक देते हैं, इसे तो नारायण के पास गए दोनों और अर्जुन कृष्ण ने प्रणाम किया है, पर हमारी सनातन गोस्वामी बाकी कृष्ण को उसमें सदा दर्शन चक्रवर्ती पाल आदि लोकखंड आदि ने खंडन किया, एक युक्ति दिखाई ठीक है नारायण स्वयं भगवान है कृष्ण अवतार है, उनकी इच्छा हो सकती है ठीक हम इसको मानते हैं, तो कृष्ण भगवान गए प्रणाम तो लौकिकता है, लौकिकता में कृष्ण क्या संतों को प्रणाम नहीं करते, क्या नारद जी आते तो जन्म नहीं दुलाते, इसकी क्या नारद जी बड़े हो गए, अगर नारायण बड़े होते तो स्वयं द्वारिका जाते थे, है ना प्रमाण कि मैं जाकर के ब्राह्मण पुत्रों को लाता था, जब स्वयं द्वारिका जाते तो कृष्ण का दर्शन नहीं क्यों नहीं करते, जब इच्छा है बुला लेते भाई, पिता को इच्छा होती तो बेटे को बुला लेता है, या स्वयं जाके दर्शन करता है तो बुलाया उन्हें नहीं कृष्ण को और स्वयं गया पर दर्शन क्यों नहीं किया, जिसका मतलब है कृष्ण के आदेश के बिना कोई भी कृष्ण के अंतर्मन में प्रवेश नहीं कर सकता, भगवान नारायण तो नहीं हो, फिर नारायण युक्ति की कैसे दर्शन संभव हो, तो कृष्ण के प्रिय कौन है द्वारिका के परिकर, परिकर करो मैं ब्राह्मण नमो को ब्राह्मण तो मैं ब्राह्मण बालकों को हरण कर लूं तो इसके वाहन कृष्ण जरूर आएंगे और मैं माप का दर्शन, यही तो सार है, अब जानते हैं तो कृष्ण माधुर जो है नारायण को भी मोहित करने वाला है और उसके ऊपर स्वयं को अपरिकलित पूर्वक चमत्कार कार्य माधुर्य पूरा, और क्या कहते हैं भगवान कब की बात है द्वारिका में न वृंदावन, जब द्वारिका में बार बार चर्चाएं होती रहती है वृंदावन की, वृंदावन की लीलाओं की, मत के लीलाओं का श्रवण करके प्रभु अचित हो जाते हैं,
तो प्रभु को सांत्वना देने के लिए नव वृंदावन बनाया गया है। उस नव वृंदावन के गुरु की पीठ पे बैठा कर अचेत गोविंद को लाया जाता है वृंदावन जी को, और वहां के जेत होता है। जब वृंदावन जी क्या करते हैं, कृष्ण के द्वारिका नाद वेश हटा करके मुरली हाथ में देते हैं और नटवर को गोप वेश बना देते हैं। जगते हैं तो क्या देखते हैं, भैया जी एकदम से बाहु पास में बांध लेते हैं भैया को, बदलाव भैया सचमुच क्या हम वृंदावन आ गए हैं, तो क्या रस है उसमें भैया, तो क्या हम द्वारिका में जितने दिन का स्वप्न था हम सचमुच द्वारिका आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, अब वह चरण चला जाए वहां केवल परिकर है और कोई नहीं, रोहिणी माँ है न, तो यहाँ नारद जी है उद्धव जी कोई भी आकाश में है सब दर्शन कर रहे हैं, यशोदा जी की प्रतिमा है, नंद की प्रतिमा है, बाप पिता जी का है, माता जी का है, कृष्ण रोहिणी माँ कहती थी बेटा तुम आज विलंब तक सो रहे थे ना, इसलिए माता बड़ी घबरा रही है, रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, तुम उनसे बात ना करना, हम तुमको भोजन कराते हैं, और सीधे बहुत जाते हैं तुम्हारा निकुंज में न वृंदावन में मणिमय व्यक्ति में दर्शन करते हैं, परछाई का दर्शन कपरिकलित पूर्व कष्ट चमत्कार, भगवान भी एकदम चमत्कृत हो जाते हैं, माधुर माधुर का समुद्र वृक्ष जम लुप्त चेता सब रसम उपभक्तुम राधिकी कामे राधिकी व, अगर मैं राधा भक्त का समय राधा भक्त तो राधा की तरह इस माधुर्य को भोग करता। इस बात का प्रकट दुर्गोषण से पहले किसने की बताइए, कृष्ण स्वरूप का इससे अखिल रसामृत स्वरूप का माधुर्यमय स्वरूप का सर्वप्रथम किसने हमको दिया, धरती का गोस्वामी ने दिया है, सचमुच देना है, ये रसगत प्राप्ति है, हस्तगत नहीं भांगत नहीं, कृष्ण स्वरूप का अपूर्व वर्णन बताइए किसी संप्रदाय में किसी ग्रंथ में इस तरह का वर्णन हो, रूप गोस्वामी ने कृष्ण स्वरूप दिया राधा स्वरूप की, महापुरुष से पहले राधा में प्रेमिका ही बोलते थे, राधा कृष्ण की पूजा ही निषेध बताते थे, जयपुर में इसीलिए विवाद हुआ, रूप गोस्वामी कहते नहीं कृष्ण की अनेक गोपियां हैं, उनमें आठ जितेश्वरी हैं, आठों में दो राधा चंद्रावली और उसमें भी राधा महाभाव स्वरूपीयम गुणैरति गरीयसी, राधा को बताया महाभाव स्वरूपा है राधा रानी, कृष्ण की अभिन्न आत्मा है राधिनी, शक्ति का सार प्रेम, प्रेम का सार भाव, भाव का परम सार महाभाव स्वरूपा से राधा, ये जो राधा का स्वरूप कौन जानता था, इस तरह राधा स्वरूप गहराई में जाकर के रूप गोस्वामी ने क्या वर्णन किया दोनों स्वरूपों का, और भक्ति रसा में सिंधु के ये नपुण गोता खोर है, गोता लगा कर रत्न दिया दोनों स्वरूप का वर्णन, प्रेम क्या है, प्रेम स्नेह क्या है, मान क्या है, राग क्या है, अनुराग क्या है, तो दिव्य वर्णन चल वर्णन सही भाव में, और भाव क्या है, अनुराग दशा प्राप्ति प्रकाशित आश्रय भाव अत्यंत, इसका वर्णन क्या आसान है, भाव का जो वर्णन है इतना गंभीर ज्ञान विवेचन है कि यावद आश्रय वृत्ति क्या है, सुसंगत दशा क्या है, इस पर व्याख्या करने समय नहीं होगा, अधिकतम सुखम कृष्ण सुख के लिए चरम दुख भी परम सुख के रूप में पहनना होता है, यावदाश्रय में है ना, जैसे राधा रानी मानिए गिरिराज जी के शिला के ऊपर खड़ी है तो रोमांचित होना पड़ता है, किशोरी जी खड़ी है प्रेम की प्रतिमा और श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है, उस सुख के लिए कहाँ खड़ी है, शिला के ऊपर, शिला कैसी है, सुई की नोक के बराबर, हाँ एकदम तप्त है, महीना था जेब का महीना और समय मध्यान काल, आप सोचिए जेब का महीना और मध्यान काल और कितनी धूप पड़ेगी और शीला एकदम तप्त शीला माना गनी हुआ नहीं हो और बिल्कुल पैनी शीला, सुई मानो
पैर रखते चुभ जाए ऐसी शिला पे गर्म और गहरी शिला पे राधा रानी खड़ी हुई है फिर भी बिंदु मात्र कष्ट का अनुभव दुखम अभी परम सुखम क्यों कृष्ण के लिए श्यामदास व्यक्ति मतलब कृष्ण भगवान श्याम सुंदर के लिए चरम दुख भी परम सुख हो जाए और कृष्ण मैं हो जाए श्यामदास व्यक्ति उसमें जितने भी इस राग के वैभव है महिमा है माधुर है सुंदर है सब कुछ चरम काष्ठा को प्राप्त कर लेता है तब जाके महाभाव होता है श्वसन के अपने आप जो है एक रस का उत्पन्न कर देता है अपने आप प्रथम जब रस का स्थापन होता है प्रसंग दशा में केवल एक दर्शन मात्र है कि साधक मानिए भगवान का ध्यान कर रहा है कमान चिंतन की प्रथम अवस्था फिर रस का स्वादन होता है समय और कुछ चिंतन में नहीं है केवल जुगल सरकार यहाँ से किया अभी भी रस का साधन होता है इसकी स्थिति क्या होती है रस साधन करते करते मैं कोनू भी जाता है एकदम चरम अवस्था है तो तब तो होता है श्वसन विद दशा और उस समय क्या होता है शरीर में श्वेत रोमांच कंप अश्रु सर्वेद और बैगन स्तंभ और मूर्छा आठों सात्विक विकास दीप्त हो जाता है रोमांचित नहीं ज्वलित नहीं उद्दीप्त नहीं दीप्त नहीं सुदीप चल प्रकाश इसका वर्णन भी इतना ध्यान है इस दिशा में तो दास का प्रवेश भी नहीं हो सकता है क्या लघुर रस है वहां तो न किशोरी को पता है कि मैं कौन हूँ न श्याम सुंदर को पता है कि मैं कौन हूँ न स रमन न हम रमणी इति गिदा आवय रास्ते प्रेम रस में उभय मना यह मदन निष्पीडेश बला तब एक स्थिति आ जाती है राधा कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं लेकिन उनकी अंतिम रूप है वही गौरांश रूप है तब ना भेद रहता कि मैं रमण हूँ या मैं रमणी हूँ कोई भेद नहीं है वहां यह स्थिति आ जाती है युगपत तिरंग विरंग का स्वागत होता है साधक भी अब तक भूल जाता है जुगल सरकार जब तक भूल जाता है जैसे महाप्रभु में होता है ये भाव कब जब प्रभु कुर्माकृत हो जाते हैं जब कुर्माकृत हो जाते हैं न तो प्रभु को मालूम मैं कौन हूँ मैं कृष्ण हूँ राधा हूँ कुछ भी नहीं ओह एक है विदंड करने वाली लीला है गंभीरा के तीन परकोटे बंद है दरवाजा बंद है पर प्रभु पता नहीं कहां से निकल जाते हैं हाँ सब बंद है और प्रभु नहीं आवाज नहीं हो रही उदम की नहीं हरे कृष्ण नाम की नहीं गोविंद जी घबराए क्या बात है प्रभु की आवाज क्यों नहीं आ रही है और दरवाजा खोला दे रहा है एकदम मन भक्त के प्राण चल गए चारों हल्ला हो गया चीख पुकार दीपक जला करके कोठी को देख रहे हैं प्रभु कहाँ गए हैं कहीं भी अता पता नहीं चलो हम लोग कुछ जायसी मुद्दा पे कोई चटक पर्वत पे कुछ ओटाई टोटा कुछ समुद्र के किनारे कहीं पता नहीं लगता है आश्रम नहीं उस दिन तो सिंह पे मिल गए थे जब दिन घात हो गए थे हाँ दक्षिण द्वार वहां पे मांस पिंड पहचान पाई श्रोता और भी मुझे प्रभु मुच्छित हो गया दीर्घाकृत हो गए तो कीर्तन करते तो चेतना आती पर आज चेतना नहीं सभी लोगों ने मान लिया सारी अंतिम लीला हृदय विदर्ण हो रहा था सभी का सब सरो दामोदर जी बोले चलो एक काम करो प्रभु को उठा ले चलो गंभीरा अब क्या कर उठाकर सब लोग ले आए ये है सुंदर का शास्त्र प्रकाशित रूप है चरम रूप है एकदम कुर्मा के कुर्मी का छोड़ दादा हम करते हैं कि हाँ जब गमछा भी लाते हैं तब चलो कीर्तन तो करो खूब संकीर्तन शुरू हुआ और संकीर्तन होते होते अचानक प्रभु हुंकार के साथ गर्जना के साथ हरि 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 एकदम से उठ कर बैठ जाते हैं कोई लक्षण नहीं ऐसा विकार जब किसी ने सुना था दीर्घाकृत होना कुर्माकृत होना समुद्र में गिर जाना जलिया के जाल में फंस जाना और रात भर जमुना समुद्र में बहना क्या पृथ्वी में कहीं हुआ है
किसी ने सुना है देखना तो अद्भुत है, साक्षात प्रेम का दर्शन करना है तो श्रीमद् महापुरुष का दर्शन, साक्षात प्रेम अगर मूर्तिमान हुआ है तो महाप्रभु के रूप में और ब्रज में राधा रानी के रूप में। तब बताएंगे राधा रानी को तो ऐसा नहीं हुआ, महाप्रभु को कैसे हुआ? राधा रानी के दिन में एक युवा महाप्रभु तुम्हारा राज महाभाव प्रिय प्रभु है ना, तुम्हारा राज महाभाव दोनों एक हो गए, इसलिए महाभाव का चरम पराक्रम प्रकाशित हो गया। जैसे समानवाद बोल सकते हैं बिजली सूखे हाथ से छुई या पानी के हाथ से छुई कैसा हो, तो बिजली पराक्रम कहाँ दिखाती है? जल में अधिक ना, तो रसराज स्वरूप स्वरूप है जल है, मान लीजिए महाभाव विद्युत है बिजली है, स्वरूप में मिल गया ना राधा कृष्ण, इसलिए चरम पराक्रम जो राधा रानी में नहीं हुआ अद्भुत आचार्य परम विद्वान सार संग्रह के दर्शन से मालूम पड़ता है भाषा क्या शैली क्या जिस गोस्वामी जैसी भाषा शैली, उन्होंने भी राग रंग विवृत्ति दो ग्रंथ उनके प्रकाशित है कलकत्ता विश्वविद्यालय से 49 में प्रकाशित 1949 के सार संग्रह, और आराम का विवृत्ति यहाँ के कुसुम सरोवर के बाबा कृष्णदास जी ने प्रकाशित किया 40 वर्ष हो गए आजकल दुर्लभ हो गया। तो वंदना में पहले भी कहे कि वंदना इष्ट वंदना नहीं गुरु वंदना नहीं आरदान यहाँ शुरुआत आदि परंपरा में वास्तव में ये रूपानुग है, रूपी इनके जीवन है, रूप के द्वारा कृपा के बिना न तो वृंदावन हम पा सकते हैं, राधा गोविंद का स्वरूप ना लीला में प्रवेश ना प्रेम जान सकते हैं, और रूप रूप जपने से भी परम कल्याण होता है। तो कविराज गोस्वामी जो रूप रूप जपते थे उनका संस्कृत तो रचना ही मंगला में पद मिलता है, कहते हैं रूप रूप बोलो बार बार मिली गए अमूल्य निधि, अभी तो प्रकाश नहीं है कि हस्तलिपि मेरे पास है प्राचीन पांडुलिपि में से मैं तो रूप रूप बोलो अनिवार मिली दे अमूल्य निधि पाई पे राधा यशोदा कुमार, तो रूप रूप बोलो बार बार रूपी दया नाही जार सिधान दुर्लभतार सही धन रूप अधिकार, रूप नामे निष्ठा करो रूप नामे माला करो रूप रूप बल बार बार तंत्र मंत्र जप ध्यान सपली रूपेर नाम रूप रूप बल अनिवार्य, रूप का वर्णन किया राधा कृष्ण का रूपी रूप गोस्वामी, आप लोग गोस्वामी राधा कृष्ण का रूपी रूप मंजे राधा कृष्ण से रूप का कोई अलग स्वरूप नहीं है, कहते रूप में रूप जो दो अक्षर है इसमें राधा कृष्ण विहार करते हैं, खड़े रति रूपा राधा ठाकुरानी पाप खड़े प्राणनाथ श्री कृष्ण अपनी, यही दो अक्षर है सर्व सारा सार रूप नामे राधा कृष्ण करे विहार, इससे अधिक क्या रूप गोस्वामी महिमा मिलेगी कहीं विश्व में संसार में, रूप गोस्वामी के नाम पर राधा कृष्ण विहार करते हैं, रूप गोस्वामी प्रधान सेवाधिकारी है, रूप की कृपा के बिना निवृत्त निकुंज में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, हमारे आचार्य ने लिखा है कि निवृत्त निकुंज में लतादिकों का प्रवेश नहीं है, वहां रूप मंजरी का प्रवेश है, इसमें कोई तर्क नहीं चलेगा, आचार्य है वहां केवल निवृत्त निकुंज में मंजरी का प्रवेश है, तीन भाव है ना, कृष्ण में अधिक सम और राधा में अधिक, कृष्ण में अधिक किसका धनिष्ठा सखी धनिष्ठा बिंदा, और राधा कृष्ण समान समान किसका है प्रिय सखी कुरुविंद कुरुंगाक्षी सुमध्या आदि, और कृष्ण राधा में समान समान होते हुए भी राधा में कुछ अधिक रहता है परम कृष्ण सखी ललिता भी सखा, और दो प्रकार की सखियां रह जाती है राधा में अधिक निष्ठा
कौन है कस्तूरी मंजरी मणि मंजरी और वासंती शशिमुखी वासंतिका आदि आदि। तो ये है प्राण शक्ति नित्य सखी, ये है मंजरिया, इनका क्या है भाव भावोल्लास रति है। देखिए रति का नाम बदल गया, अभी तक कृष्ण रति है, कृष्ण रति भावोल्लास रति बन जाता है। कैसे भावोल्लास होता है कि संचारी शर समोना व कृष्ण रत्या सुहित रति ही अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास इति लियते। कृष्ण ही मुख है ना आश्रय हमारा विषय, और कृष्ण की जो सखियां हैं, सखियां ये सुहृद रति में आते हैं ना, राधा रानी की रति सुहृद रति है, तो सुहृद रति कृष्ण के समान हो या नून हो कम हो तो कृष्ण रति कहलाएगी। अगर राधा में अधिक हो गई रति तो भावोल्लास, अधिका पुष्यमाना चेत भावोल्लास। तो मंजरियों की जो रति है भावोल्लास कृष्ण रति में, ये अलग नाम दिया है रूप गोस्वामी ने, इसीलिए कहना पड़ेगा कि रूप गोस्वामी निकुंज रस के आविष्कारक है। इस मंजरी स्वरूप निकुंज रस के आविष्कारक है। बताइए इससे पहले कोई कहा था किसी आचार्य ने, किसी ग्रंथ में मिलेगा मंजरी स्वरूप का इस प्रकार वर्णन, भावोल्लास रति का वर्णन। और भावोल्लास के मुख आराध्य से है राधा मेरी निष्ठा। एक उदाहरण, वृंदा आती है वर्षा की रात है, सावन का महीना, कनकुर वर्षा हो रही है, रात्रि में वृंदा गिरिराज के तट में तलहटी में निकुंज में राधा को ले जाने के लिए आती है वृंदा कि राधे चलो हरिसार में कृष्ण आ गए हैं और तुमको वहां जाना है गिरि निकुंज में इस रात्रि को। वृंदा का तो कृष्ण में अधिक स्नेह है, राधा नहीं राधा रानी की दासी है, पर प्राण के नित्य सखी से ये सहन नहीं हुआ, सामने आ गई। विरमतो वृंदे दुत चातुर्य चर्या, वृंदे तुम बड़ी चतुर हो, तुम्हारी इस दुत चातुरी को ही विराम दे दो। ये वर्षा की प्राप्ति संध्या रात्रि, रात्रि क्या है वर्षा की रात्रि है, वर्षा हो रही अंधेरी रात है, किशोरी कैसे जाएंगे इस अंधकार रात्रि में, वर्षा भी हो रही है, कहीं पिछल में गिर जाए पट जाए गिर जाएगी कि नहीं, और सर्प का भी भय है ना, सर्प का भय रहता है ना रात्रि में वर्षा में, तीसरे विपद संकुल रात्रि में मैं राधा रानी को नहीं भेजने वाली, तुम जाओ श्याम सुंदर को बोलो यहाँ। ये है भावोल्लास रति का एक उदाहरण मात्र है, राधा में अधिक निष्ठा। इन बातों को कौन जानता है, वहां भाव क्या है, भावोल्लास रति क्या है, वहां का स्वरूप राधारण का स्वरूप क्या है, ये श्री गोस्वामी कृपा से हमें मालूम मिला है। कृष्ण का स्वरूप, राधा का स्वरूप, मंजरियों का स्वरूप, मंजरियों का स्वरूप, महाभाव का स्वरूप, भावोल्लास रति का स्वरूप, प्रेम क्या है, प्रेम अनंत महिमा बताई। पीड़ा भी नवकार श्लोक कहने का समय नहीं है, इससे बढ़कर शायद प्रेम की कोई महिमा नहीं हो सकती है। फिर हमें क्या पीड़ा है, नवकाल उत्कृता गर्भश्य निर्वास और मिलन में निस्संदेह नमोधा सुधाम धरि अहंकार संकुचन, फिर तो उसको तरम तटस्थता प्रकट है चित्त धाम। तो प्रेम का अद्भुत संवर्णन किया है श्री रूप गोस्वामी ने, और प्रेम के साथ साथ रस रूप का नाम की तुंडे दंड विनृति महाप्रभु ने किया चरण, महाप्रभु ने दिया है एक एक वस्तु को कैसे रेखांकित किया है नहीं हम नहीं जानते। फिर राधा कृष्ण का जो दो स्वरूप है लोग बहुत होता है, इस स्वरूप का वर्णन प्रभु गोस्वामी करते हैं, दोनों का के स्नेह स्नेह को देख लो। एक दिन की बात है बिना कल का बहुत वर्णन किया जाता कृष्ण केवल राधा कृष्ण का स्वरूप बता रहे हैं रूप गोस्वामी, इसलिए कहना पड़ा कि रूप गोस्वामी श्रृंगार रस के शिल्पी है, श्रृंगार काल कृति है। जुगल वृंदा जी देख रही हैं, अत्रि निकुंज में जुगल सरदार बैठे हैं, दोनों का चित्त मानो एक हो गया। प्रेम रसीन वह मनन निष्पिपेश,
क्या देख रही हैं वृंदा जी कि राधाया भवतश्च चित्तजतुनी वेदैः विलाप्य क्रमा युञ्जन् अत्रिनिकुञ्ज कुञ्जरपते युञ्जन् अत्रिनिकुञ्ज कुञ्जरपते स्वेदै निर्धूत भेद भ्रमम् अजित्राय स्वयमन्नरञ्जय दिह ब्रह्माण्डहर्मोदरे भूयो हिर्नवराग हिङ्गुलभरै श्रृङ्गारकारुकृति गोस्वामी श्रृङ्गारकारुकृति कि दोनों बैठे हैं दोनों चित्र को राधाया हो दोनों के चित्र जतु है मतलब लाख लाख को गला दिया है श्रृंगार ने श्रृंगार शिल्पी ने दोनों चित्र को एक कर दिया है किसने किया है दोनों को श्वेत कैसे ना श्वेत ही मिला क्या क्रमा धीरे धीरे क्या बता सकते हो धीरे धीरे होता है ना धीरे धीरे दोनों चित्र को स्वात्विक विकारों से एक कर दिया कहीं अश्रु कहीं पुलक कहीं कंब स्तंभ वैवर्ण आदि से एक हो गया निर्धूत भेद भ्रमम तब क्या हुआ भ्रम चला गया ना स्वरमन ना मरमन निर्धूत भेद भ्रमम फिर क्या हुआ किसने किया इस तरह एक करके चित्राय स्वयं अन्नरंजय ब्रह्मांड हरमोदरे ब्रह्मांड रूपी अट्टालिका के उदर में ये चित्र कर रहे हैं किसलिए विश्ववासियों को आश्चर्य के लिए देखो देखो जुगल शंकर का प्रेम देखना है तो इनको देख लो अनुरंजय कैसे भूयो भी बार बार नव रात हिंगुल भरे हिंगुल रंग है बहुत सुंदर रंग उस रंग से बार बार रंग भर रहे हैं और राधा कृष्ण का स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन कर तो दोनों का जो रूप है चित्र एक का अद्भुत वर्ष से अधिक वर्णन कहीं नहीं प्राप्त होगा अरे ही स्वरूप है श्री गौरांग जब एक हो जाते हैं रसराज महाभाग की एक रूप बहुत सुंदर हो जाते हैं बस तो ये है वो गोस्वामी के नाम अवदान दर्शन तो एक बस चर्चा मात्र है हम जीवन भर कहें तो ही समाप्त नहीं होने वाला महाकाश की तरह है एक बूंद छूना मात्र है बिंदु आभास तो इसी के साथ दास गोस्वामी चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ आप सबके चरणों में और महाराज जी की आवाणी है कि इस प्रकार रस का वितरण भी हो रहा है सभी को लाभ हो रहा है दिन दिन तक ये बहुत आपका प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय बहुत सुंदर है किंतु और सभाएं होती हैं और चर्चाएं होती है विशुद्ध भक्ति रस चर्चा दुर्लभ है और यही हमारी खुरा यही संपत्ति है इससे अलग हो जाए कि हम धनी राम सबसे धनी है हमारे पास जो संपत्ति है भंडार है अमूल्य है अमूल्य अनंत है ये रस का वितरण कर रहे इसलिए महाराज जी को पुनः पुनः प्रणाम लोगों ने अभी प्रेमदास सुहाज महाराज जी का रूप गोस्वामी के चरणों में पुष्पांजलि सुनी और इस सुंदर ललित भाषा में श्री रूप गोस्वामी के वैशिष्ट्यों का उन्होंने रसमय बहुत ही सुंदर है हम इसकी प्रशंसा श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति आदानसिंहं स्वामी के निरंतर के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रवेश विष्णु पाद
स्तोत्र से श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत चरण पुष्पांजलि तत्पश्चात संन्यास ब्रह्मचार्य गण उपस्थित मंच पर उपस्थित वैष्णव गण आचार्य मैं प्रति वर्ष यहाँ पर 3 दिन का रूप गोस्वामी के तीर्थ दिन आयोजन हमारा मुख्य लक्ष्य होता है वैष्णव संघ अत्यंत इसलिए विद्वान वृंदावन के प्रसिद्ध तत्व वैष्णव गणों को बुलाऊं और यहाँ पर सभा हो इसमें हमारे संप्रदाय में रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट क्या है हमारा संप्रदाय क्या है इसकी इतनी अपार संपत्ति है जिसका उन्होंने कुछ स्पर्श किया इतना साहित्य वैष्णव साहित्य किसी भी संप्रदाय में नहीं है हम उनके ऋणी हैं और हमें गर्व है कि हम रूप गोस्वामी के रूपानुधारा में हम लोग सब यहाँ तो हमारे कितने ये सब भक्त लोग हैं देश विदेश सब जगहों से आए हुए हैं अंग्रेजी भाषा में भी ट्रांसलेशन हो रहा है सबको सहयोग ये मिल रहा है शुद्ध भक्ति क्या है रूप गोस्वामी की का अवधान क्या है इसके विषय में सुनने का सुयोग मिलता है कितने सुंदर रूप में प्रेमदास बाबा जी महाराज ने हमारे माधव दास बाबा जी महाराज ने और सब ने बहुत सुंदर रूप से विश्लेषण किया आज श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित इस पर हम लोग विचार सबसे पहले बात ये कहना चाहता हूँ कृष्ण लीला में रूप गोस्वामी जी रूप मंजरी हैं और महाप्रभु के लीला में ये श्री रूप गोस्वामी है रूप मंजरी के संबंध में ऐसा कहा गया है तांबुलार्पण पाद मर्दन पयोदाना विशारादि वृंदारण्य महेश्वरी सकृते जस्तोषयन्ति प्राण प्रेष सखी कुलादपि किला असंकोचिता भूमिका हे भूमेश रूप मंजरी मुखा तद्दासिका ये रूपमंजरी इत्यादि जो रचना है जहाँ पर राधा कृष्ण दोनों जुगल अस्त व्यस्त रूप में है असंकोच रूप में जाकर उनकी सेवा कर सकते प्राण प्रिय लक्ष्म शक्तियां जो ललिता बिछाता है वो अस्त व्यस्त अवस्था में पहले नहीं जाएंगे रूपमंजरी इत्यादि से पूछेंगे हम लोग आ सकते इसलिए यहाँ पर ललिता विशाखा जी का महत्व कम हो गया ऐसी बात नहीं ये भारत के प्रेसिडेंट हैं उनसे मिलने के लिए उपराष्ट्रपति वहां पर पहुंचे सीधे जा सकते हैं नहीं जा सकते उनको आदेश लेना पड़ेगा जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है और उसी प्रकार से असंकोच रूप से यहाँ पर इनकार और क्या करते हैं रूप मंजरी कदाचित पाद पद्म गोषेन्द्रनंदन उजाचित मस्तिकाया हामोद तक करो कौर कोटार बिंदम राजा की क्लांत हो गई है क्या कृष्ण की गोदी में उन्होंने अपना सिर दे दिया और श्री रूप मंजरी जी उनके चरणों को पलोस रहे
क्या ऐसा हमारा सौभाग्य है होगा कहते हैं रघुनाथ दास कि वो इशारे से हमें बुलाकर और वो चरण पलटना हमें दे दी तो शामिल इतना महत्व है सिरूप मंजरी रूप मंजरी या और मंजरियों का कृष्ण लीला में निभृत कुंजों में भी सेवा का अधिकार है परंतु रूप गोस्वामी जो महाप्रभु के परिकर हैं उनको मनोविष को जानने वाले हैं उनका कुछ महत्व है उन्होंने साधारण जीवों के लिए भी कपाट खोल दिया है इसमें प्रवेश को इसलिए नाभादास के भक्तमाल में वर्णन किया है जो भी इन्होंने बताया को जानत वृंदावन को जानत मथुरा वृंदावन को जानत ब्रजनी को जानत राधा माधव कोई जानत से वो प्रीति क्या औपपत्य भाव उन्नत उज्ज्वल दृष्टा भाव उन्नत उज्ज्वल ही मैंने वो क्यों कहा और उन्नत ये भाव है तो रूप मंजरी का तेल बहुत अधिक है और एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के पहले भक्ति तो थी बहुत पहले से और मध्वाचार्य रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी निम्बादी इत्यादि ये था नाट्य इत्यादि में भीष्म इत्यादि में ये कुछ भक्ति थी किंतु चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से रूप गोस्वामी के पश्चात भी लोग समझ सके या रश्मयी रश्मयी किस प्रकार से रूप गोस्वामी ने सब पहले सबसे पहले भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि ग्रंथों में ये राशि उन्होंने कहा स्थाई भाव पांच प्रकार के जिसमें चार प्रश्न है दास सत्य बात कर इस पर स्थाई भाव विभाव अनुभाव शांति चौथा युग रूप में मिलने पर यह लक्ष्य रूप गोस्वामी के पहले कौन जानता था कोई भी नहीं उन्होंने अमूल्य ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु उसी का परिशिष्ट उज्ज्वल लेने और भक्ति रसामृत सिंधु में दास सप्त बात्सल्य का वर्णन करने पर भी उज्ज्वल जन में पृथक रूप से इस औपपत्य भाव युक्त गोपियों के इस उन्नत उज्ज्वल भाव वर्णन किया है ये साधारण लोगों के लिए दुर्लभ है यदि उसमें रूप कुछ लोभ भी है किंतु पूर्व जन्म के संस्कार से या इस जन्म के संस्कार के बिना उसमें प्रवेश नहीं होगा किंतु रूप गोस्वामी ने इन भावों को संसार में प्रसारित किया इसलिए हमारा भी संप्रदाय नहीं बल्कि और सब संप्रदाय भी रूप गोस्वामी के ऋणी हैं विशेष करके और एक चैतन्य महाप्रभु का अभिष्ट क्या था साधारण रूप में देखा जाता है कि उन्होंने रूप सनातन को आदेश दिया था।